हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के टॉप 100 क्वेश्चन। ये मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये पहला पार्ट है, इसके बाद दो पार्ट और अपलोड होंगे जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, इन्हीं 100 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं अलग अलग एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे IB का हो, चाहे RPF का हो, चाहे SSC GD हो, चाहे SSC का हो, सभी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पार्ट पूरा एंड तक देखना है। कितने सही कर पाते हैं आप 30 में से, वो भी अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक किया करें, अपने दोस्तों को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर किया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक जितने भी ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड हुई है उनकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको चारों ऑप्शन में से बस एक ऑप्शन बताना है जो राइट है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, पहले का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, तीन तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। इन दोनों को मिला के बनती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या, अर्थ है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, दूसरे का राइट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। देखिए, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, और सभी बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए तीसरे का। तो बिल्कुल सही है, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकासशील राष्ट्र यानी कि डेवलपिंग कंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बताइए इसका जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। और टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। बिल्कुल सही, 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या, आपका आयात निर्यात बंद करना, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करना, और इसको हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है, यह आपको बताना है। तो देखिए, यहां पे ऑप्शन ए भी राइट रहेगा, परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या भी एक कारण है, उद्योगों का अल्प विकास भी एक कारण है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक विकास का तात्पर्य है। तो देखिए, जो आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल सही है, उत्पादन अक्षमता में वृद्धि भी बिल्कुल सही है, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता भी सही है। इसका मतलब इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ आपको पहले बता दूँ, तीन वो होते हैं आपके क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपके जो आते हैं सारे कृषि से रिलेटेड चीज़ें जो होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, द्वितीय क्षेत्र में आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड आती है, और तृतीय क्षेत्र में आपको सर्विस से रिलेटेड आती है। देखिए, मैं इन तीनों के एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र आपका जैसे कृषि से रिलेटेड जो भी होगा आपका सारा संबंध प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे आपका कपड़ा व्यापार हो गया, मतलब कपड़ा प्रोडक्शन हो गया, लोहा उद्योग हो गया, ये सारे आपके द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तृतीय क्षेत्र में आपके सर्विस, जैसे डॉक्टर एक सर्विस देता है, ठीक है भाई, जब आप डॉक्टर को पैसे देते हैं तो आपको वो एक सर्विस देता है, कुछ प्रोडक्ट नहीं देता है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र में। तो तीन क्षेत्र होते हैं, इनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तीनों क्षेत्र से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कृषि, तो कृषि हो गया, वन हो गया, उत्खनन हो गया, ये सारे आपके पहले हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है सेवा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए हर एक स्टूडेंट का।
बिल्कुल सही, जो सेवा क्षेत्र होता है वो आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, और द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, अगर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो जो सामान आप लेके आए वो द्वितीय क्षेत्र से ही होके निकल के आया होगा। आप चाहे चिप्स ले लो, चाहे आप खाने की पीने की कोई भी चीज़ ले लो, चाहे आप कोई भी फर्नीचर ले लो, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री से बन के आए हैं। ठीक है, तो आप जो भी आप चीज़ें खरीद के लेके आते हैं, एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र से आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, इंडस्ट्री आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर पसंद आ रही होगी वीडियो तो लाइक करते जाइएगा, प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो बिल्कुल सही, 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, कौन सा आधार वर्ष है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2011 से 12 आधार वर्ष माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है आपको बताना है चार ऑप्शन में से। तो बिल्कुल सही, ए राइट आंसर हो जाएगा, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, कौन से क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आप सोच सकते हैं कि सबसे महंगा आपको क्या लगता है। बिल्कुल सही, तृतीय क्षेत्र में जो सर्विस होती हैं वो बहुत महंगी है हमारे देश में, अगर आप देखें तो डॉक्टर की फीस बहुत महंगी है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट भी नहीं कुछ मिलता है, बट आपको बस एक चीज़ बताने की, सर्विस देने की, बहुत महंगा आपको मिल जाता है, मतलब बहुत महंगा होता है, तो इसलिए तृतीय क्षेत्र आप में जो योगदान करता है राष्ट्रीय आय में, वो सर्वाधिक तृतीय क्षेत्र करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे आप याद करने के लिए भी ऐसे सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी लगा लीजिए, यानी कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की का जो सर्वप्रथम अनुमान लगाया था वो किसने लगाया था, ये आपको बताना है, बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय का। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये अभी मैंने आपको बता ही दिया है, तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 क्या है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा, तो आशा करता हूँ कि आपने आंसर लगा दिया होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है आपका इंडिया विजन 2020। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बेरोजगारी बहुत है ये पता है, बट कौन तैयार करता है इसको, तो बिल्कुल सही है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, कौन सी किस्म पाई जाती है, बिल्कुल सही, ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण अल्प रोजगार। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कम से कम मैं बता दूं अभी तक 30 से 40 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और 18वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो देखिए 19 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डीटी लकड़वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है।
तो देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्माण क्षेत्र में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो 21वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना था। ठीक है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है आपका, तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर आपका 23 का हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, ए राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको भी, वेरी वेरी, और 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महबूत अल हक। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट रहेगा, जीवन प्रत्याशा और आपका साक्षरता दर भी रहेगा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी रहेगा, ये सभी आपका यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ यार मोटिवेट जरूर करिएगा एक लाइक करके, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत मेहनत से मैं लेके आने वाला हूँ क्वेश्चंस कलेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 28, भारत निर्माण योजना संबंधित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 दिसंबर 2000 में। क्वेश्चन नंबर 30, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई, तो 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2005 में। दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, सभी के आंसर यहाँ पे मैंने इसी प्ले सॉरी इस